हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन वो हिंदी में। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और महज 7 रन बनाकर मोइन अली का शिकार हो गए। विराट कोहली मोइन अली की ऑफ स्पिन गेंद पर बोल्ड हुए थे। शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली मोइन अली की गेंद को पढ़ने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे और इंटरनेशनल करियर में दूसरी बार मोइन की गेंद पर बोल्ड हो गए। बोल्ड होने के बाद विराट कोहली का रिएक्शन देखने लायक था। कोहली काफी हैरान थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कैसे आउट हुए। विराट कोहली के आउट होने के बाद ट्विटर पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और कोहली को ड्रामेबाज बता रहे। कुछ लोगों ने लिखा है कि कोहली मोइन अली की नॉर्मल गेंद पर आउट हुए, लेकिन फिर भी वो ऐसी एक्टिंग कर रहे थे कि मानो मोइन अली ने किसी मिस्ट्री बॉल पर उन्हें आउट किया हो। वहीं अगर मैच की बात करें तो रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच 103 रन की साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया ने सदी हुई शुरुआत की और वही पंत और पांड्या के द्वारा की गई पावर हिटिंग के चलते टीम इंडिया को अच्छा स्कोर बनाया। हालांकि टीम इंडिया 50 ओवर भी बल्लेबाजी नहीं कर पाई और 48.2 ओवर में 229 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। भारतीय टीम के कप्तान होने के नाते विराट कोहली पे एक जिम्मेदारी होती है कि वो टीम को जीत दिलाए और उनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो खुद भी एक अच्छा स्कोर खड़ा करे, क्योंकि टीम इंडिया को भी उन्हें जीत दिलाना है और फैंस के दिलों में अपनी जीत को कायम रखना है। इसके बावजूद भी अगर वो अच्छे से नहीं खेल पाते हैं तो फैंस नाराज होकर ट्विटर या सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकालते हैं। ऐसा ही कुछ विराट कोहली के साथ इस मैच में हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी की आपकी कोई भी राय तो जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक शेयर करना ना भूलें और भी ऐसे जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक पहुँच रहे।